आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में सच्चाई का खुलासा होगा। वीडियो पूरा देख लेना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। 666 की छाप किसको लगेगी, किसके लिए है, ये किस मसीह को लगेगी? पहली बात, 666 की छाप उनके लिए नहीं है जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ये छाप उनके लिए है जो किसी कारण से यहाँ पर रह जाएंगे, यहाँ पर छूट जाएंगे। जो लोग कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएंगे उनके लिए है। कैसे लेन देन होगा, कैसे क्या करना होगा, कैसे सामान मिलेगा, कैसे दुकानों पर राशन मिलेगा, कैसे क्या होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में सारा डाउट डिस्कस कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा। परसों अपना मंदिर बनवाएगा मेरे प्रश्नों और बोलेगा मेरी पूजा करो, और अपनी छाप लगवाएगा और बोलेगा मेरी पूजा करो। उस समय रुपया पैसा सब बंद हो जाएगा, सिर्फ चिप से लेन देन होगा। बहुत अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, ठीक है भैया? वीडियो को ध्यान से देख लेना। मत्ती 25 का 6 वचन में लिखा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये वही 5 मूर्ख कुंवारियां हैं, जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी जो तैयार नहीं थी, वे हैं जो यही रह जाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनके लिए छाप है। और वे मूर्ख वरिया कौन है? आज जो संसार में लोग हैं, जो सो रहे हैं, आज जो जाग नहीं रहे, उनके लिए छाप है। आगे में बता रहा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 15 और 16 वचन में लिखा हुआ है, और 17-18 वचन में, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उन्हें वह मरवा डाले। उस और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने पर हाथ पर माथे पर एक छाप करा दी। उस पशु को छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। आगे लिखा, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक छोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और वह उसका नाम 666 है। मेरे पति ने बाइबल साफ बताती है, जो शैतान होगा, जो पशु होगा, ये शैतान की छाप नहीं, नो, ये पशु की छाप है। जो पशु अपनी मूर्त बनवाएगा, और जो मूर्त बनवाएगा वो पशु की मूर्त बोलेगी, और जितने लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे उनको वो मरवा डालेगा, गर्दन कटवा डालेगा। जितने धनी कंगाल छोटे बड़े स्वतंत्र दास है सबके हाथे पर या माथे पर उनको एक छाप देगा, और वो छाप क्या है? 666 अंक, जिसको बोलते पशु का अंक है। ये पशु का अंक है, जो छाप लेगा उसी को राशन पानी मिलेगा, उसी को गल्ला मिलेगा, उसी को चावल मिलेगा, राशन मिलेगा। जितने लोग उसकी छाप लेंगे सिर्फ वही लेन देन कर सकते हैं, जिनके माथे पर मुहर नहीं होगी उनको मरवा डालेगा। आगे लिखा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 9 और 10 वचन में, फिर मैंने इसके बाद बड़े शब्द से यह कहते सुना, जो कोई उस पशु और उस मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उस पशु की छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने से और मेमने के सामने से आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगांतर उठता रहेगा। और जो उस पशु उस मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। बाइबल साफ बताती है, नो चांस नहीं है। जितने लोग छाप ले लेंगे, उस पशु की छाप ले लेंगे, 666 की छाप ले लेंगे, पहली बात तो उनको परमेश्वर किसी भी तरीके से स्वर्ग नहीं देगा। वे रात दिन शैतान और पशु झूठा भविष्यवक्ता ये रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे, और जितने लोग उस पशु और उस शैतान की पशु की छाप लेंगे वे रात दिन आग और गंधक की झील में तड़पते रहेंगे। मेरे प्रियजनों, जहाँ का धुआं युगान युग उठता रहता है, इसलिए हमें उसकी छाप नहीं लेना है। पहली बात, जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे उनके लिए छाप नहीं है, जो यहाँ पर रह जाएंगे
छूट जाएंगे, उनको ये छाप लगवाई जाएगी, उनको छाप लगेगी, और जो छाप नहीं लगवाएंगे उनको जान से मसीह विरोधी मरवा डालेगा, उन्हें मरवा डालेगा, जान से मरवा डालेगा। और आगे लिखा प्रकाशित हुआ कि 19 अध्याय के 19, 20, 21 वचन में, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उनने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उस मुहूर्त की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में गंधक से जलती है डाले गए। यहाँ पे जो लोग छाप लेंगे और जो छाप लगवाएगा, जो पशु और जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो पकड़ा जाएगा और उनको कहा रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। और आगे लिखा प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय में 10 वचन में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा डाल दिया जाएगा, और ये रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और आगे जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, जो लोग छाप लेकर यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे तो उनका परमेश्वर न्याय करेगा। लिखा आगे, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। याद रखना, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो उसका न्याय करके परमेश्वर नरक की आग में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ की कीड़े कभी नहीं मरते हैं। क्या हाल होगा, जो लोग छाप ले लेंगे वे स्वर्ग तो नहीं आ पाएंगे, किसी वजह से किसी भी तरीके से स्वर्ग नहीं आ पाएंगे, चाहे जो भी करें वो लोग, मगर स्वर्ग नहीं आ पाएंगे। ये पशु का छाप, पशु का अंक जो अपने माथे पर या हाथ पर लगवा लेगा 666 की छाप, वो स्वर्ग नहीं आ पाएंगे। उनका नर्क में जाना तय है, वे नर्क जाएंगे। आगे लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और टोने और मूर्त पुंज को, और इन सब का भाग झील मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह तो दूसरी मृत्यु है। इसलिए समय है मेरे प्रियों, अभी आप मन फिरा लो, यीशु मसीह जब आए तो उसके साथ जरूर चले जाइयो। जब यहाँ पर रह जाओगे तो शैतान उठेगा, मसीह विरोधी उठेगा, जो पशु उठेगा और पशु अपनी छाप लगवाएगा। आप उसकी छाप नहीं लोगे तो आप भूखे मर जाओगे, या आप छाप लोगे तभी आप लेन देन कर पाओगे, तभी आप दुकानों से सामान ले पाओगे, उस छाप की वजह से उस चिप को दिखाना पड़ेगा तभी आप राशन पानी ले सकते हो। ये पशु का अंक है, अभी सुधर जाओ, अभी समय है, जब यीशु आएगा अपनी दुल्हन को लेने तो उसके साथ आप जरूर चले जाना, यहाँ मत रह जाना। अगर आप उस पशु की छाप नहीं लोगे, उसकी मूर्ति के आगे, उस पशु की मूर्त के आगे सिर नहीं झुकाओगे, उसकी पूजा नहीं करोगे, तो मसीह विरोधी वो पशु मरवा डालेगा। इन्हें धनी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, राजा हैं, वो सबको एक चिप लगवाएगा जो 666 का अंक है। जब आप उसको लोगे तभी आप राशन ले पाओगे, दुकानों से सामान ले पाओगे, वरना भूखे मर जाओगे। यदि छाप नहीं लोगे तो जान से मसीह विरोधी मरवा डालेगा। अभी समय है, 5 समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहो, कुप्पे में तेल ले लो, मसाले जलते रहें, ताकि दूल्हा यीशु आए तो उसके साथ पहले चले जाओ। यहाँ मत रहो, यहाँ दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं जो सहनशीलता के मेरे परिजनों बाहर होंगी। कड़वा पानी पीना पड़ेगा, दुखदाई फोड़े निकलेंगे, लोग पीड़ाओं के मारे अपनी अपनी जीव चबाने लगेंगे। सूर्य जो चमक रहा है यह मनुष्यों को जिंदा जला डालेगा, उस समय परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, कहर बरसेगा। इसलिए समय है, हम सभी सच्चाई को जानते हैं तो पाप ना करें, सच्चाई को जान चुके हैं, अभी समय है, परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है, चले जाओ उसके साथ, उसकी दुल्हन हो, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ, दुल्हन को लेने आ रहा है। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो को अपने मसीह होने के पास कृपया करके जरूर शेयर करना, ताकि सच्चाई लोगों के पास पहुंच जाए और लोग बच जाएं। मंत्रालय आशा करता हूं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।